आपने वहां पे नारा लगा रखा है, चौकीदार, पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी कहते थे अच्छे दिन, लोग कहते थे आएंगे। अब आप कहीं भी जाके बोल दो चौकीदार, सुना आपने? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस बोलो चौकीदार। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मुझे देश का प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे देश का चौकीदार बनाओ। धूमधाम से कहते थे प्रधानमंत्री बने। दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट, राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट, हिंदुस्तान की वायुसेना का हजारों करोड़ रुपया, यूपी से यूपीए सरकार ने निर्णय किया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट जाएगा। हिंदुस्तान की सरकार एक हवाई जहाज के लिए 526 करोड़ रुपए देगी, एचएल हवाई जहाज बनाएगा, बेंगलोर में, ओडिशा में, उत्तर प्रदेश में, जहां भी एचएल की फैक्ट्री है वहां पे दुनिया का सबसे मॉडर्न हवाई जहाज बनाया जाएगा। गोवा के युवाओं को रोजगार मिलेगा, इंजीनियर्स को, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को रोजगार मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया। पारिकर जी ने दुनिया की मीडिया को बताया कि हिंदू अखबार में निकलता है कि हिंदुस्तान के चौकीदार ने पैरेलल नेगोशिएशन किया, हिंदुस्तान की नेगोशिएटिंग टीम 526 करोड़ के लिए हवाई जहाज खरीदने जा रही थी, नरेंद्र मोदी जी कहते ना 526 के लिए नहीं खरीदा जाएगा, 1600 करोड़ रुपए के लिए खरीदा जाएगा, क्योंकि चौकीदार। फिर क्या होता है, फ्रांस जाते हैं, उनके साथ अनिल अंबानी जाते हैं डेलीगेशन, कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 10 दिन पहले अनिल अंबानी कंपनी खोलता है, फर्जी, 10 दिन पहले 30,000 करोड़ रुपए चौकीदार ने अनिल अंबानी की जेब में डाल दिए। शेम। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि मुझे तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने साफ बता दिया था अगर राफेल हवाई जहाज खरीदना है तो एचएल को परे कीजिए, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, चौकीदार ने कहा। सीबीआई का डायरेक्टर कहता है मैं इंक्वायरी करूंगा चौकीदार, 1:30 बजे रात को चौकीदार सीबीआई डायरेक्टर को हटा देता है, 1:30 बजे रात को, पूरा हिंदुस्तान सो रहा था, पता नहीं क्या जल्दी थी, 1:30 बजे रात को उसका कमरा लॉक करके उसे निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट कहता है प्रधानमंत्री जी सीबीआई डायरेक्टर को वापस लाइए, सीबीआई डायरेक्टर वापस लाया जाता है और कुछ ही घंटे में फिर से नरेंद्र मोदी उसको निकाल देते हैं।
पता नहीं क्यों, क्या जल्दी थी। और फिर कल जो फाइलें थी सुप्रीम कोर्ट में, हमें बताया जाता है हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि फाइलें गायब हो गई, गायब हो गई। फाइलों में लिखा है कि चौकीदार जी ने हवाई जहाज का दाम बढ़ाया 526 से 1600 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार का अनिल अंबानी की जेब में गया। फाइलों में यह भी लिखा है, और हिंदू अखबार पढ़िए उसमें लिखा है साफ, कि नरेंद्र मोदी जी के कारण राफेल हवाई जहाज देरी में आया और 10 साल लगेंगे राफेल हवाई जहाज को हिंदुस्तान। और मुझे गोवा के चीफ मिनिस्टरशिप से नरेंद्र मोदी कभी नहीं हटा सकता, क्योंकि जिस दिन वो मुझे यहां से हटाएगा उस दिन राफेल की फाइल में बाहर कर दूंगा। तो अगर फाइलें गायब हुई तो शुरू करिए परिकर जी पे इंक्वायरी। मगर सिर्फ फाइलें गायब नहीं हुई, गोवा की सरकार गायब हो गई, याद है आपको, मिला आपको पैसा नहीं, गायब हो गया। काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़े आप सब लड़े थे, याद है आपको, बैंक के सामने सबको खड़ा किया, याद है आपको, आप सिर हिला रहे हैं हां। उस लाइन में अनिल अंबानी जी खड़े थे, नीरव मोदी खड़ा था, मेहुल चौकसी खड़ा था, ललित मोदी खड़ा था, ना गायब हो गए। आप लोग खड़े थे, आपने अपना पैसा जेब से निकालकर बैंक में डाला, नरेंद्र मोदी जी ने आपका पैसा लेकर उनका कर्जा माफ किया 3.5 लाख करोड़ रुपए। गोवा में पहले टूरिज्म हुआ करता था, टूरिज्म का सेंटर था, सरकार आई, नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन किया, नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लाए, गोवा में से टूरिज्म गायब हो गया। जहां भी आप देखेंगे, चाहे राफेल की फाइल हो, चाहे गोवा की सरकार हो, टूरिज्म हो, रोजगार हो, किसानों का भविष्य हो, सब कुछ गायब हो गया। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है, किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए पूछिए, किसी भी युवा से आप पूछिए भैया करते क्या हो, कुछ नहीं। दूसरा सवाल पूछो, भैया रोजगार का क्या हुआ, कहते हैं गायब हो गया। यह है नरेंद्र मोदी जी का कमाल। किसान दिन भर हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं भैया हमारा कर्जा माफ कीजिए, उनका एक रुपया माफ नहीं होता। सबसे अमीर लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ होता है, उनका एक रुपया माफ नहीं हो सकता। गोवा में हजारों स्टूडेंट्स ने लोन लिया है, हजारों लोग ने छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए लोन लिया, उनका आप एक रुपया माफ नहीं कर सकते। मगर हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का आप 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हो। अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। गोवा में आपका माइनिंग का इश्यू है, लाखों लोगों को नुकसान किया,
और हमने निर्णय ले लिया है गोवा में सस्टेनेबल तरीके से माइनिंग कांग्रेस पार्टी शुरू कर देगी। पहले ये टूरिज्म का सेंटर हुआ करता था, अब नरेंद्र मोदी जी अपने क्रोनी कैपिटल मित्र के लिए गोवा को कोल का सेंटर बनाने में लगे हुए हैं। तो आपके पास मुद्दों की कोई कमी नहीं। एक नारा आपके पास चौकीदार, दूसरा नारा गायब हो गया। गोवा से रोजगार गायब हो गया, टूरिज्म गायब हो गया, ये दो नारे आपके पास हैं और इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। किसानों के मुद्दे में लगा सकते हैं, राफेल फाइल में लगा सकते हैं, आपके भविष्य के बारे में भी लगा सकते हैं। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो और आप विचारधारा की लड़ाई लड़ते हो। चुनाव का समय है, आप पोलिंग बूथ पे, हां अच्छा दिख रहा है भैया, उसको पूरा लगाइए, हां ये चौकीदार, तो आपके पास मुद्दों की कोई कमी नहीं। आपको सिर्फ ये बातें अब घर घर तक ले जानी है। और एक बात और, यहां पे आपकी सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, यह आप भूलिए मत। गोवा में और बाकी बहुत सारे प्रदेशों में बीजेपी ने पैसा देकर आपके हाथ से आपकी सरकारें छीनी है। और मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गोवा की जनता की बात कर रहा हूं। गोवा की जनता आप ये बात मत भूलिए, गोवा के युवाओं आप ये बात मत भूलो, नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिया। तो आप इन बातों को ले जाइए, घर घर ले जाइए, गांव में शहरों में ले जाइए और गोवा की जनता को बताइए कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में और गोवा में जिताना है।